देख रहे हैं SGN न्यूज़, की बात आपके साथ। इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर पूर्णिया DDC ने बुलाई प्रेस वार्ता। पुलिस कप्तान विशाल शर्मा ने संयुक्त रूप से किया पत्रकारों को संबोधित। शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए तैयारियों पर हुई चर्चा। दिए गए परीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश, साथ ही परीक्षा केंद्र में व्यवस्था को लेकर दी गई जानकारी। पुलिस कप्तान ने परीक्षा केंद्र में छात्रों व केंद्र अधीक्षक सहित शिक्षकों को दिए निर्देश। पेश है प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। इंटरमीडिएट परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होने जा रही है। पूर्णिया के 4 अनुमंडल में कुल 33 केंद्रों पर यह परीक्षा संचालित की जाएगी, जिसमें पूर्णिया सदर में 15 और पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 8 सेंटर हैं। बायसी में 3, बनमनखी में 3, धमदाह में 4। इस तरह होम सेंटर लड़कियों के लिए अनुमंडल में दिया गया है और पूर्णिया सदर में 15 जो है लड़कों के लिए सेंटर है। ये परीक्षा 6 तारीख से चलेगी और 16 तारीख तक ये परीक्षा संचालित होना है, जिसमें परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से स्वच्छ कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन करना प्रशासन का हम लोग का दायित्व है। उसके लिए हम लोग केंद्राधीक्षक की बैठक करके उन्हें निर्देश दे चुके हैं। हर केंद्रों पर सभी जगह बच्चों का सिटिंग प्लान बोल्ड लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में 2-3 जगह डिस्प्ले कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। इस बार परीक्षा में पहली बार इंटरमीडिएट परीक्षा में निर्देश दिया गया है कि 9:30 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू होगी और दूसरी पाली की 1:45 में। उसमें निर्देश है कि परीक्षा से 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर बच्चे का प्रवेश पर रोक लगा दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि 9:20 तक पहली पाली में और दूसरी पाली में 1:35 तक बच्चे निश्चित रूप से अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। परीक्षा केंद्र में मुख्य गेट पर ही पहले फ्रिस्किंग होगी। फ्रिस्किंग के बाद अस्थायी करते जो महिला सेंटर रहेंगे उन पर अंदर उनको घेरा बनाकर उसको उनका तलाशी ली जाएगी और महिला सेंटर पर सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही पर्यवेक्षिका और पुलिस महिला पुलिस के द्वारा उनकी तलाशी ली जाएगी, जो कि घेरा के रूप में अंदर ही विद्यालय परिषद के अंदर किए जाएंगे। और एक इस बार से पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है कि परीक्षा कक्ष में जूता मोजा पहनकर कदापि नहीं आए। ये इस बार से पहली बार इंटरमीडिएट परीक्षा में लागू की गई है कि कोई भी बच्चे जूता मोजा पहनकर नहीं आए, ये अलाउ नहीं है। और गेट पर फ्रिस्किंग के समय जूता मोजा उतार कर रख देने का निर्देश दिया गया है और ये उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। फिर जूता मोजा का विद्यालय प्रशासन कुछ नहीं उसकी देखरेख करेगा। और किसी भी बच्चे को मोबाइल या किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लाने के कोई आदेश नहीं है, इसे पूरी तरह वर्जित है। और जितने भी परीक्षा केंद्र है उस पर जितने भी वीक्षक जो लगाए जा रहे हैं वो यहीं से हम लोग सेंट्रलाइज रैंडमाइजेशन करके जैसे निर्वाचन में करते हैं उसी तरह रैंडमाइज करके वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। केंद्राधीक्षक को भी हम लोग ने निर्देश दिए हैं कि सिर्फ केंद्राधीक्षक एक मोबाइल उनको अलाउ किया गया है और वो भी एंड्रॉयड नहीं रहेगा, वो सिंपल मोबाइल उन्हें अलाउ किया गया है। और परीक्षा केंद्रों पर सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 200 मीटर के परिधि तक 144 अपने स्तर से सभी जगह लागू करेंगे और सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरा लगा दिया गया है और सेंटर के बाहर ये डिस्प्ले रहेगा, आप CCTV कैमरा के निगरानी में हैं। सभी केंद्राधीक्षक को ये निर्देश दिया गया है कि श्याम पट पर परीक्षार्थियों के लिए मात्र यह हिदायत अंकित करें कि उन्हें किसी प्रकार से कदाचार में लिप्त पाए जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के सुसंगत प्रावधान के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस आशय की जानकारी शिक्षकों के माध्यम से परीक्षार्थियों को अवगत कराया जाएगा। जून में जो इसमें नहीं करना है, केंद्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के सहमति से परीक्षा कक्ष में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। परीक्षार्थी के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका की कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी एवं शिक्षक मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर नहीं जाएंगे और इसका अनुपालन रेखा से सुनिश्चित किया जाएगा। बड़े बेंच डेस्क पर 2 से अधिक बच्चे को नहीं बैठाने का प्रोविजन है। हर हाल में एक बेंच पर 2 से 2 ही बच्चे बैठेंगे। परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारी केंद्राधीक्षक के अतिरिक्त
किसी निरीक्षक कर्मी वीडियोग्राफर के पास मोबाइल फोन नहीं रहेगा। निरीक्षण के दौरान आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्र के आसपास संचालित सभी फोटो स्टेट की दुकान परीक्षा अवधि तक संचालित नहीं होगी। ये मतलब हम लोग के स्तर से ये व्यवस्था की गई है और इसकी ब्रीफिंग मजिस्ट्रेट और सभी सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को दे दिया गया, सबके तरफ से भी इसके तरफ से कर्तव्य किया ये है। और सभी केंद्रों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति और अन्य के बारे में सर डिटेल रूप से सर से अनुरोध करेंगे कि सर बताएं। प्रशासनिक तैयारियों के संबंध में डीडीसी साहब सर प्रभारी जिला दंडाधिकारी के द्वारा काफ़ी डिटेल में डूज एंड डोंट्स और प्रशासनिक तैयारी जो है बताई गई। इस संबंध में पहले ही प्रशासन के स्तर से हम लोग के द्वारा जिला स्तर पे सभी जितने भी दंडाधिकारी हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी संयुक्त ब्रीफिंग कर दी गई है। उसमें उन लोग को काफ़ी डिटेल में जो अभी आप लोग के समक्ष भी बातें बताई गई और उसके भी हैंडआउट्स वगैरह डूज एंड डोंट्स वगैरह उपलब्ध कराए गए। जैसा कि बताया गया कि कुल 33 परीक्षा केंद्र हैं और इसमें लगभग अनुमानित है कि लगभग 23,000 के आसपास विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे। तो प्रशासन की तैयारी उसी के हिसाब से की गई हैं। प्रशासनिक तैयारियां जो हैं महिलाओं के लिए और जो छात्राएं हैं उनके लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था है, फिस्किंग वगैरह की अलग से व्यवस्था है, वहाँ पर महिला फोर्स वगैरह की उपलब्धता कराई गई है ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और इसके अलावा जो है जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं हमारे वो जोनल स्तर पे और सुपर जोनल स्तर पे भी फ्लाइंग स्क्वाड्स का कंस्टिट्यूट किए गए हैं जो कि मोबाइल रह करके पूरी इसमें अपने स्तर से भी चेकिंग समय समय पे करते रहेंगे। और उसके अलावा जो 144 है उसको हम लोग एकदम निश्चित रूप से इन्फोर्स करवाएंगे कि किसी प्रकार की उसमें कोई कोताही नहीं हो। और फोटोस्टेट की जितनी एग्जामिनेशन सेंटर्स के पास दुकानें हैं जैसा कि बताया भी गया वहाँ पर सादे लिबास में भी कुछ पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रहेगी ताकि वहाँ से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं उत्पन्न हो। और इसके अलावा हम लोग के द्वारा व्यापक पैमाने पे फोर्स का सारे ही जितने सेंटर्स हैं वहाँ पे फोर्स का डेपुटेशन किया गया है, दंडाधिकारियों का डेपुटेशन किया गया है और सबकी प्रॉपर ब्रीफिंग भी हो चुकी है। ज्वाइंट ऑर्डर भी पुलिस अधीक्षक और जिला दंडाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जा चुका है और जिसका कंप्लायंस हम लोग इसमें करवाएंगे। और उम्मीद है कि परीक्षा में सब एकदम ठीक तरीके से होगा और किसी प्रकार की आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर रेक्टिफिकेशन हो जाएगा तो हमको उम्मीद है कि इस तरह की समस्या एकदम नेग्लिजेबल रहेगी, हम ही नहीं कह सकते नहीं रहेगी बिल्कुल, लेकिन एकदम नेग्लिजेबल रहेगी। तो उसके लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे। और एक बात आपको बता दें कि यदि कोई किसी भी बच्चे की परीक्षा बाधित नहीं करने का आदेश है, यदि मान लीजिए वो बच्चा एक घंटा लेट से दूसरे सेंटर पर पहुंचता है तो ये प्रावधान है कि उसको उतना अतिरिक्त समय देकर एडजस्ट कराया जाए। इसलिए वो बच्चा यदि 3 घंटा उसको समय तो 3 घंटा ही परीक्षा देगा वो।